हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे गार्डन में। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने करेले के कुछ जो सीड हैं वो ग्रो किए थे, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है इन प्लांट्स की हो रही है। तो उन्हीं प्लांट्स को आज जो मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ, तो उससे पहले आपके साथ में ये कुछ फ्लावर्स शेयर कर रही हूँ। यह जो है श्रीलंकन टगर का प्लांट है, इसके फ्लावर्स कुछ इस तरह के होते हैं। मैंने इसका जो वीडियो है आपके साथ शेयर भी किया है, तो बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग जो है इस समय यह प्लांट कर रहे हैं। पूरा प्लांट जो है फ्लावर से भरा हुआ है। तो मेरे पास दो प्लांट हैं इसके, और दोनों में ही भर भर के कलियाँ और फ्लावर जो हैं खिले हुए हैं। और इधर यह जो पिंक कलर का चंपा का प्लांट है, अभी मैंने इसको भी रिपोर्ट नहीं किया है, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग यह कर रहा है। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इस प्लांट की कि पूछिए ही मत, बैठी हूँ तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस प्लांट से। तो चलिए मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ अपने करेले के प्लांट्स को, और कैसी सॉइल इसकी बनाई है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आइए शेयर करते हैं अपने करेले के प्लांट्स। ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने जो है करेले के कुछ सीड जो हैं अपने इस पॉट में डाल दिए थे, दबा दिए थे, और कितने हेल्दी प्लांट इसके ग्रो हो गए हैं। देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ इन प्लांट्स की हो रही है। बिल्कुल अब ये प्लांट कह रहे हैं कि मुझे बड़ा प्लांटर चाहिए, तो अब मैं जो है इन प्लांट को रिपोर्ट करूँगी। देखिए बिल्कुल इसकी बेल जो है कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो अब इसको मुझे कहीं ऐसी जगह रखना भी होगा जहाँ पर यह अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो देखती हूँ कहाँ पर इन प्लांट को मुझे रखना है। और ये तीन से चार प्लांट हैं, तो इसके लिए मैंने एक या इस तरह का जो आप देख पा रहे हो यह प्लांटर मेरे पास अभी खाली रखा था फ़िलहाल। तो मैंने जो है इसकी सॉइल जो है बना ली है, तो मैंने इसमें जो है गार्डन सॉइल और रेत और वर्मिंग कंपोस्ट मिलाकर इसका सॉइल मिक्सचर यह तैयार कर लिया। थोड़ा सा नीम खली और थोड़ा सा फंजीसाइड मिलाकर जो है इसका ये सॉइल जो है तैयार कर लिया है, और काफ़ी वेल ड्रेन सॉइल और भुरभुरी सॉइल एकदम बनाई है इसकी। देखिए तो इसी में जो है अपने इन प्लांट्स को एक एक करके रिपोर्ट करूँगी। और यह बेल वाला प्लांट होता है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है इस प्लांट की होती है। ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने एक प्लांट जो है इसका निकाला है, कितनी अच्छी रूटिंग जो है इस प्लांट की हुई है, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मैं जो है सारे प्लांट इसी में जो है लगाने वाली हूँ। अब दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो यह 12 दिन के बाद का रिज़ल्ट आप देख रहे हो, तो 12 दिन के बाद का रिज़ल्ट इतना अच्छा मिल रहा है मुझे रिपोर्टिंग के बाद। मैंने इसको धूप में जो है रख दिया, और टेरेस पर एक विंडो है वहाँ पर ग्रिल के सहारे जो है यह बेल जो है फैल रही है, और इसमें जो है फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे फूल जो हैं इसमें खिल चुके हैं और बहुत सारे सूख भी चुके हैं। तो आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी ग्रोथ जो है 12 दिन के बाद जो प्लांट है दे रहा है। तो मैंने इसको फुल सन में ही रखा हुआ है, और यह पूरी ग्रिल जो है पूरी कवर कर लेगा, और बहुत ही सुंदर जो है प्लांट लग रहा है, और इसकी पत्तियां भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो मैंने इसको 20 से जो है ग्रो किया था, और सारे ही प्लांट जो हैं हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा।